अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। ओके, ओपन योर पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 एंड टॉपिक इज एब्रीविएशंस। ठीक है, ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनकी एब्रीविएशंस लिखनी है। एब्रीविएशंस क्या होते हैं? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग। ये कुछ भी लिखने की शॉर्ट फॉर्म होती है। यूजली आमतौर पर ओनली द इम्पोर्टेंट वर्ड्स वी हैव देयर इनिशियल लेटर्स इन द एब्रीविएशंस। कि आमतौर पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनके जो इनिशियल जो अल्फाज होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं और वो उनकी एब्रीविएशंस होते हैं। ठीक है, नाउ ओपनिंग योर नोटबुक्स एंड ड्रॉ योर मार्जिन लाइंस। पेज नंबर 13 का टॉपिक है, हमने मेंशन कर दिया ऊपर, यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 2, एंड द टॉपिक इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, एब्रीविएशंस। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक को ऐसे प्रेजेंट करना है। फर्स्ट वन इज मास्टर ऑफ साइंस, एम फुल स्टॉप, एस कैपिटल और सी स्मॉल। नेक्स्ट वन इज His, Her Majesty, H.M. ठीक है, H.M. जब हम लोग पढ़ेंगे उसका मतलब होगा His Majesty. Next one is Member of Parliament, M.P. Next, Master of Arts, M.A. Next, School Leaving Certificate, S.L.C. देखिए, हम लोग ने फर्स्ट वर्ड इनके लिए ना इनिशियल लेटर्स लिए इनके S. एल सी मीन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। नंबर 6 इज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एम डी। नंबर 7 ट्रेड यूनियन, टी यू। नंबर 8 डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, पी एच फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप। सेकेंड लास्ट इज साउथ ईस्ट, एस ई। एंड द लास्ट वन इज बैचलर ऑफ एजुकेशन, बी फुल स्टॉप, ई कैपिटल और डी स्मॉल फुल स्टॉप। ठीक है, आपने इसको अपनी इंग्लिश एक ही नोटबुक पे ऐसे नीट एंड क्लीन लिखना है और इनको मेमोराइज भी करना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।